के लिए पटेल और मौलाना के साथ गांधी जी ने कर दिया था बड़ा खेल? क्या नेहरू की जगह मौलाना अबुल कलाम हो सकते थे देश के पहले प्रधानमंत्री? क्या था गांधी जी का वो खेल जिसने नहीं बनने दिया था पटेल को प्रधानमंत्री? एक कागज की पर्ची से कैसे बन गए थे नेहरू पीएम? सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुनना चाहती थी 80% कांग्रेस कमेटियां। गांधी जी के लगाए अड़ंगे से पटेल नहीं बन सके थे प्रधानमंत्री। देश अपना 18वां प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है और अब तमाम नेता, तमाम विपक्षी दल चुनाव मैदान में। लेकिन क्या आप जानते हैं, आजाद हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का पद सबसे ताकतवर और सबसे रुतबे वाला होता है। इन 77 सालों में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सपना ना जाने कितने ही लोगों ने देखा, लेकिन इस पर बैठने का सुनहरा मौका अब तक सिर्फ 14 लोगों को ही मिला है। इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए किसी को जनता का अपार प्यार और समर्थन मिला तो किसी को इसके लिए तिकड़मबाजी का खेल खेलना पड़ा। 15 अगस्त 1947 के साल भर पहले ही साफ हो गया था कि भारत की आजादी अब ज्यादा दिन दूर नहीं। यह भी तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बने, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 साल से मौलाना अबुल कलाम ही कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई तो अबुल कलाम फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब गांधी जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने सबसे चहेते नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि वो एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। गांधी ने साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। उस वक्त कांग्रेस महासचिव रहे आचार्य जेबी कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 11 दिसंबर 1945 को थी, जिसे आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल 1946 किया। इसी दिन कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव होना था। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती थी। इनमें से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र तक नहीं किया। कृपलानी अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा मुझे वापस दे दिया। कृपलानी गांधी जी के साथ लंबे समय से काम कर चुके थे। वो गांधी जी की आंखों से समझ जाते थे कि वो चाहते क्या है। कृपलानी ने नया प्रस्ताव तैयार करा, इसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। इस पर सभी ने साइन किए। सब जानते थे कि मन से गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष और पीएम देखना चाहते। अब भी मैदान में सरदार पटेल थे और उनके सामने नेहरू का जीतना बेहद मुश्किल था। कांग्रेस महासचिव कृपलानी ने गांधी की मर्जी के अनुसार सरदार पटेल की नाम की वापसी का एक पत्र बनाया। पटेल ने इस पत्र पर साइन करने से साफ मना कर दिया। इस तरह से पटेल ने नेहरू का विरोध किया। वो पत्र गांधी के पास पहुंचा तो उसमें पटेल के साइन नहीं। उन्होंने पटेल के पास वापस वो पत्र पहुंचाया। इस बार पटेल समझ गए थे कि गांधी अड़ गए और उन्होंने उस पर साइन कर दिया। नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और इस तरह आजाद भारत को पूरी तिकड़मबाजी से पहला अंतरिम प्रधानमंत्री मिल गया। और अब एक बार फिर से देश में लोकसभा चुनाव है और देखना होगा कि जनता इस बार अपना प्रधानमंत्री किसे चुनती है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।